आई, जिस ज्योति से घर में किलकारियां गूंजी, जिस ज्योति ने परिवार का मान प्रतिष्ठा बढ़ाया, जो ज्योति मौर्य समाज में मिसाल बनी, उसी ज्योति के नाम पर महिलाओं पर पहरा क्यों? उसी ज्योति के नाम पर पति का पत्नी पर जुल्म क्यों? उस ज्योति मौर्य के नाम से परहेज क्यों? एक पति का शक महिलाओं पर अन्याय तो नहीं? क्या ज्योति मौर्य के नाम पर महिलाओं को सताया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एसडीएम ज्योति मौर्य का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। वहीं इस विवाद का असर समाज पर भी पड़ता नजर आ रहा है। ज्योति मौर्य विवाद का साइड इफेक्ट बिहार में देखने को मिल रहा है, यानी अब पति अपनी पत्नी की पढ़ाई को बंद करवा रहे हैं। पटना के मशहूर खान सर का दावा है कि इस विवाद के वजह से उनके अपने कोचिंग क्लास से 93 महिलाओं ने कोचिंग छोड़ दी। बताया जा रहा है कि उन 93% महिलाओं के पति आए और उन्होंने उन महिलाओं से अब किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं करने की बात कही। जिस प्रतियोगी परीक्षा की वो तैयारी कर रही थी वो नहीं करवाने का फैसला लिया गया। खान सर का यहां तक दावा है कि उन्होंने उन लोगों को बहुत समझाया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पीसीएस की तैयारी कर रही महिलाओं ने खुद को कोचिंग संस्थान से अलग कर लिया। पूरे विवाद पर खान सर ने कहा है कि कभी कभी लोग ऐसी गलती करते हैं कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। ऐसे में अब कौन पढ़ाएगा? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ज्योति के नाम पर महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है? क्या ज्योति के नाम पर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है? क्या ज्योति के नाम पर महिलाओं की शिक्षा के अधिकार को खत्म किया जा रहा है? क्या ज्योति का उदाहरण देकर महिलाओं को रोकना सही है? इससे समाज पिछड़ा नहीं रह जाएगा? तो ज्योति मौर्य विवाद के बाद जिस तरह से लोग महिलाओं को आगे की पढ़ाई करने से रोक रहे हैं, उन पर महिलाओं में गुस्सा है। पटना और रांची के साथ दो राज्यों के अलग अलग शहरों की महिलाओं की पूरी बातचीत हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जानिए कि पूरा आखिर विवाद क्या है। ज्योति मौर्य विवाद में कुल 3 किरदार हैं, जिनमें खुद ज्योति मौर्य एक किरदार है, दूसरा पति आलोक मौर्य, किरदार नंबर 3 मनीष को बताया जा रहा है। 2010 में ज्योति की शादी आलोक से हुई थी। शादी के बाद ज्योति ने पढ़ाई की इच्छा जाहिर की, इच्छा पढ़ने की उन्होंने जरूर जाहिर की 2010 में ज्योति की तरफ से। जब शादी आलोक से हो जाती है उसके बाद शादी के बाद ज्योति ने पढ़ने की इच्छा को जाहिर किया। आलोक मौर्य की सैलरी अच्छी नहीं थी। सैलरी अच्छी नहीं होने के बाद आलोक ने किसी तरह से पैसे का जुगाड़ किया। आलोक ने पत्नी की पढ़ाई की व्यवस्था की। 2015 में ज्योति मौर्य का पीसीएस में सिलेक्शन होता है। ज्योति ने कामयाबी का क्रेडिट पति और ससुर को दिया था। 2015 में ज्योति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 5 बाद पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है। आलोक को पत्नी ज्योति मौर्य पर शक होता है। आलोक मौर्य ने शक के आधार पर पत्नी का पीछा किया। आलोक मौर्य का यह दावा है कि पत्नी ने जान से मारने की धमकी तक उन्हें दी है। ज्योति मौर्य ने पति पर बदनाम करने का आरोप लगाया है। ज्योति ने पति पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। दोनों ने एक दूसरे पर पुलिस में इसे लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई है। पटना के खान सर की बात कर लें तो पटना के खान सर का यह दावा है कि पति अपने पत्नियों की पढ़ाई को अब रोक रहे हैं।
पति पत्नियों की कोचिंग बंद करवा रहे हैं। अब तक 93 महिलाएं खान सर की कोचिंग को छोड़ चुकी हैं, वो जा चुके हैं अपने घर। एक की गलती की सजा तमाम दूसरी महिलाएं जो हैं वो भुगत रही हैं, ये भी दावा खान सर का है। ज्योति मौर्य विवाद के बाद पटना में खान सर की कोचिंग से 93 पत्नियों को पति वापस ले गए। इससे कई तरह के सवाल भी अब सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस तरह का फैसला गलत नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे परिवार हैं जिसमें उनकी पत्नियों की कमाई से ही पूरा का पूरा परिवार जो है वो चल रहा है, संचालित हो रहा है। सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे पटना संवाददाता संजय कुमार ने पटना की महिलाओं से बात की, जानने की कोशिश की कि पटना की महिलाएं क्या सोचती हैं। यूपी के SDM ज्योति मौर्या का मामला सामने आया था, जिसमें उनके हस्बैंड ने कई तरह के आरोप लगाए थे। इसका रिपरकशन पटना में देखने को मिला है, और खान सर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर तकरीबन 93 महिलाओं को उनके हस्बैंड ने इसलिए वापस कर लिया क्योंकि वो ज्योति मौर्य का जो मामला था उसे कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए थे। क्या ये इतना सही है कि सभी महिलाओं को एक ज्योति मौर्या की वजह से उनके हस्बैंड घर पर वापस बुला लें? इस वक्त हम बात करने के लिए पटना की महिलाओं के साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे मैडम, ये कितना जस्टिफाई मानती है कि ज्योति मौर्या की वजह से पटना के हस्बैंड जो है कोचिंग में पढ़ रहे हैं? नहीं, ये गलत है। सब लेडीज जैसा नहीं होती है। अब एक के कारण बहुत सारे जो पढ़ने वाली लेडीज है जो आगे पढ़ सकती थी, अपना घर परिवार चला सकती थी, उसके वजह से अगर वो बुला लेते हैं तो वो गलत है। नहीं, बहुत गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब सब लेडीज ऐसे थोड़ो करेगी, पढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। कई परिवार जो महिलाओं की वजह से ही चल रहा है। नहीं, उसके जैसे सब नहीं ना हो जाएगा। जो पढ़ना चाहती है पढ़ाना चाहिए, ये गलत बात है, नहीं बुलाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। हम तो बिल्कुल गलत रंग मान रहे हैं इसको, क्योंकि जो महिला पढ़ रही है उसको तो उन लोग को वापस नहीं लाना चाहिए। उन लोग का जो लाइफ में जो उन लोग आगे की सोच है वो तो बिल्कुल उन लोग को कहिए कि सपना बन के रह जाएगी फिर, इसलिए कहिए कि जो हस्बैंड लोग बुला रहे हैं उसको कोचिंग से, तू तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ज्योति मौर्या जो ज्योति मौर्या की वैसा नहीं है कि सब महिला लोग कर सकती है। ये मेरे नजर में ये रॉन्ग है, क्योंकि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती है, सबका सोच अलग अलग। वुमेन्स के प्रति रोक लग गया, जितने भी वुमेन्स लेडीज है सब पढ़ना, सबको अपना पति बुला रहा है, ये रॉन्ग बात है। सभी एक जैसा नहीं होते, जेंट्स भी एक जैसा नहीं होते है। सभी जेंट्स रॉन्ग थोड़ी हो सकता है। हर लेडीज का पढ़ाई बंद हो गया, बहू है हमारे घर की, बेटियां भी पढ़ रही है, बहू भी पढ़ रही, वो भी तो शादीशुदा है। क्या मैं अपनी बेटी को पढ़ाना बंद कर दूं, बहू को बुलाना बंद कर दूं? ऐसा होना नहीं चाहिए। गलत मानते हैं इस बात को कि लेडीज ना पढ़े ना कुछ काम करे, ये तो गलत है। लेना चाहिए सरकार को। आज आधी आबादी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एकदम है महिलाओं के लिए, तो ये सब जायज बात है। जो हाँ महिलाएं परिवार भी चला रही है, जॉब भी कर रही है, ये तो बहुत गलत है। हम क्या, पूरा समाज जान रहा है इस एक के कारण सब घर जा रही है। लड़का का भी गलती है, लड़की का भी गलती है। अगर लड़की पढ़ रही है तो उसको पढ़ाना चाहिए, चाहे फादर हो, हस्बैंड हो, भाई हो, जो भी हो। किसी दूसरे को देख करके हम अपना क्यों बर्बाद करेंगे? इसलिए लड़का लोग को भी समझना चाहिए। लड़की का तो खैर ज्योति मौर्या का तो गलती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर की है तो उसको अपने घर में सलट लेना चाहिए। ताकि महिलाओं ने एक स्वर में जो हस्बैंड्स ने जो ये स्टेप लिया है कि अपनी जो वाइफ है उनका नाम जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट से कटवा कर वापस घर ले गए हैं, उसकी निंदा की और कहा कि एक ज्योति मौर्य की वजह से इतनी सारी महिलाओं को टॉर्चर करना ठीक नहीं है, उन्हें उनका अपना भविष्य बनाने देना चाहिए था, लेकिन शायद कहीं न कहीं जो हस्बैंड है उन्होंने गलती की है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो ज्योति विवाद का समाज पर क्या असर पड़ रहा है और क्या ये सही है, इस पर मुजफ्फरपुर की छात्राओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। उत्तर प्रदेश के बरेली की SDM ज्योति मौर्या प्रकरण को लेकर जिस तरीके से अब इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसके बाद कई कोचिंग संस्थान से महिलाएं जो हैं उनके पति जो हैं उनको कोचिंग छोड़वा रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाकया पटना के खानसर के क्लास में भी हुआ है, जहां पर 93 महिलाओं को उनके पतियों ने कोचिंग छुड़वा दिया है। ऐसे में इसको लेकर हम मुजफ्फरपुर के एक कोचिंग संस्थान में है, जहां पर आप देखेंगे
बच्चियां पढ़ रही हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो फिलहाल स्थिति उत्पन्न हुई है ज्योति मौर्या को लेकर, तो क्या ये सही है? महिलाओं को पढ़ाने से लोग हिचक रहे हैं, कई बच्चियां यहाँ पर पढ़ रही हैं, लड़कियां हैं, क्या नाम हुआ? रोशनी कुमारी। जो स्थिति उत्पन्न हुई है एक ज्योति मौर्या के कारण कई महिलाओं को कोचिंग छुड़वाया जा रहा है, क्या लगता है कितना सही कितना? पहले तो मैं आपकी न्यूज को थैंक यू बोलती हूँ, और हम नारियों के लिए आप ये क्या कहते हैं कृतज्ञ किया है, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच ज्योति मौर्या ने किया, उसके लिए हम लड़कियां ही क्यों सहे, उन्होंने किया उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, बट हमें हमें अपनी इच्छा से पढ़ने की ये होनी चाहिए, और हमारी फैमिली जब पढ़ा रही है तो हमें भी ईमानदारी पूर्वक पढ़ाना चाहिए पढ़ाना चाहिए। लोगों को लगता है कि सबकी पत्नियां ज्योति मौर्या की तरह करेंगी? नहीं, सबकी पत्नियां ऐसा नहीं होगा। चलिए हम और भी बच्चियों से भी बात करेंगे, कई छात्राएं जो यहाँ पर पढ़ रही हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या नाम हुआ? प्रियंका कुमारी। क्या कहेंगे जो स्थिति उत्पन्न हो गई है ज्योति मौर्या प्रकरण के बाद, कोचिंग छुड़वाया जा रहा है, पति पत्नियों को कोचिंग छुड़वा रहे हैं, ये दरअसल बहुत ही गलत है, एक एक ये सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए, ये जो किए हैं उनका सजा तो सबको तो नहीं मिलना चाहिए ना, ये अपने अति में किए, दूसरे लोगों को भी अति मौका मिलना चाहिए। महिलाओं को कोचिंग छुड़वा रहे हैं लोग? नहीं, गलत है ये सब, जो ज्योति मौर्या ने किए वो सब बहुत गलत है। सब पढ़ रही हैं और सब जरूरी नहीं कि सब के सब ज्योति मौर्या की तरह ही बिहेव करे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो ज्योति मौर्या विवाद का महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी पर असर देखने को मिल रहा है। रांची में महिलाओं और लड़कियों से उनकी परेशानी पर बात की न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। मौर्य एसडीएम प्रकरण में देश भर की महिलाएं जो है एक प्रताड़ना का शिकार होते चल रही हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है उनमें अन्य महिलाएं जो है वो भी चपेट में आ जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड की कुछ युवा और महिलाएं छात्राएं दोनों मौजूद है। आप लोग इसको किस तरीके से लेती है? ज्योति मौर्य को हर जगह ट्रोल किया जा रहा है, साथ में कई महिलाओं की जो है पति पढ़ाई वंचित कर दे रहे हैं, इसको जी मेरा तो ये मानना है। देखिए, हमारा देश महिलाओं के शिक्षा में पहले से ही बहुत पीछे है बाकी देशों से, और जब अब ये प्रकरण हो गया ये वाली घटना के बाद, ये लोग तो इसे कर देते हैं। ज्योति मौर्या ने भी इसे किया और उसके पति ने भी गलती किया कि इसे पब्लिकली अनाउंस कर दिया, पूरे अपनी निजी जिंदगी को पब्लिक में लेकर के आ गए, तो इसके वजह से उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग की जिंदगी पर्सनली क्या असर आ रहा है इससे? जी पर्सनली तो मैं सच में कहूंगी कि लोग शादी अगर मैं कहीं करने के लिए अगर कल को जाऊंगी तो लड़का सबसे पहले यही बोलेगा कि भाई तुम अपना पढ़ाई पूरा कंप्लीट करके आओ, तुम भी ज्योति मौर्या मत बन जाना। तो समाज में इस चीज को जनरलाइज कर दिया गया है सोसाइटी में कि नहीं अब तो सारी लड़की ऐसा करेंगी, नहीं, ज्योति मौर्या एक एक्सेप्शन है, इस चीज को हम सबको समझना पड़ेगा और हर लड़की ऐसी नहीं हो सकती और नहीं करेगी। मेरा इसमें ये कहना है कि हम लोग उनको जैसे हम लोग के पिताजी और माँ पढ़ाते हैं स्टार्टिंग से लेके वो लोग को 9वीं 10वीं तक पढ़ाते, उसके बाद छोटे छोटे शहरों में जब वो लोग की शादी करवा देती है तो वो पति खुद जिम्मेदारी लेता है वो लोग उनका कि वो लोग उनको पढ़ाएगा, इसमें वो लोग कोई बड़ा काम नहीं करता है क्योंकि वो लोग को चॉइस होता है कि वो लोग पढ़ाएगा। मेरे पति जो है वो पटना में रहते हैं, वो भी सर्विस में है, हम चूंकि रांची में रहते हैं हम भी अपने काम कर रहे हैं, कभी भी मेरे पति जो है अभी ऐसा कभी लोग सोचे भी नहीं है, और सारे औरत को जो है ना फुल कॉन्फिडेंस से अपने काम करो। क्या देंगे सब लोगों को? मैं मैसेज ये दूंगी आप मीडिया पर्सन को, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उन लोगों को, कि आप जितने भी बड़े लोग हैं आप लोग एक लोगों तक मैसेज पहुंचाइए कि इस चीज को जनरलाइज नहीं करें। एक लड़की ने किया तो सोशल मीडिया सोशल आपने सुना कि किस तरीके से झारखंड की महिलाओं ने डट के बताया है कि जो सोशल मीडिया पे लगातार हर एक फीमेल को टारगेट किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, कई पतियों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाई से विड्रॉ कर लिया है, ये एक टोटली पूरी तरीके से गलत मैसेज देश भर में दिया जा रहा है। महिलाओं को पढ़ाए, बेटी को पढ़ाए और साथ में पत्नियों को भी पढ़ाए ताकि परिवार चल सके और जो शिक्षा का दौर है ये पूरी तरीके से आगे बढ़ता रहे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। ज्योति मौर्य विवाद ने महिलाओं के आगे बढ़ने के रास्ते को रोक दिया है, लोग कोचिंग से पत्नियों के नाम को कटवा रहे हैं, इस पर दरभंगा की महिलाओं का क्या है कहना? दरभंगा संवाददाता विपिन कुमार दास ने कुछ ऐसी महिलाओं से बात की। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के पारिवारिक विवाद धीरे धीरे अब देश भर में फैलता जा रहा है
और इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। कई ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों की पढ़ाई छोड़वा रहे हैं। हाल में ही पटना में भी कुछ कोचिंग संस्थान से अपनी पत्नियों को वापस ले गए हैं। इसको लेकर हम कुछ महिलाओं से बात करना चाहेंगे कि आखिर जो ये प्रकरण चल रहा है उनके जहन में क्या चल रहा है इस चीज को लेके, कि जो अभी ज्योति मोड़िया के साथ न्याय हो रहा है या आलोक मोड़िया सही है, क्या है, क्या आप कैसे देख रहे हैं? सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, कोई एक जो तथ्य होता है वो बहुत जल्दी तूल पकड़ता है। और पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे जो मीडिया के सामने नहीं आए, पर ये एक चीज जो है कि ये अफवाह जो फैल रही है कि जैसा कि मैंने सुना कि बहुत सारी जो पति हैं अपनी पत्नियों को वापस ले आए, घर वापसी कर ली कि चलो नहीं पढ़ना है, तो इतनी जल्दी इस निर्णय पे पहुंचना उचित नहीं होगा। समय देते हुए इसको पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। इसको रोकने के लिए तो समाज में जागरूकता लाना पड़ेगा, एक चीज। दूसरा, जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो लड़कियों की सोच भी बदल रही है। आज हर कोई इससे प्रभावित हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हर एक ज्योति मोड़िया के साथ ऐसा हुआ कि वो एसडीएम बनी तो हस्बैंड के साथ विवाद हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, ऐसा सभी के घर में नहीं हो रहा है कि हस्बैंड पढ़ा दिया लिखा दिया तो उसको अपने पति से विवाद हो रहा है। एक एक ऐसा अपवाद हर जगह होता है और उनका वास्तविक स्थिति क्या है वो चीज हम लोग नहीं समझ पा रहे। रहा मीडिया की बात, तो मीडिया को जब तक उसकी वास्तविक स्थिति से जानकारी नहीं थी या नहीं है तो इस बात को इतना तूल नहीं देना चाहिए था। विपिन कुमार, न्यूज 18, दरभंगा।